इन्वेस्टिगेट डॉक्टर अहमद इशफाक, और इस टाइम मैं अपने प्लेटफॉर्म कोलबेट एनिमल हॉस्पिटल पे मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ और अपने रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर अब्दुल फातिम साहब के साथ। अच्छा, आज अर्ली मॉर्निंग जो है हमें एक केस यहाँ पे आया है जिसके अंदर ओनर्स ने क्या किया हुआ था कि कैट नॉन वैक्सीनेटेड थे। तो आज जस्ट थोड़े सा टाइम में आपको ये सब बताऊंगा कि कैट के लिए कौन कौन सी वैक्सीन लाजमी। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ये बताया जाएगा, बाकी आपने कोशिश करनी कि इस पर अमल जरूर करना है। जैसे आज हमारे पास केस आया था वो बहुत ही क्रिटिकल केस था, कैट की जो अब्डोमन एरिया है जो उसके उधर वाटर बहुत ज्यादा फिल हो चुका था, उसके बिल्कुल डिहाइड्रेटेड केस था। आपने अगर डॉक्टर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने कैल्सी वायरस को और फिलाइन बल्किनो वायरस को अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स अगर आपने स्टडीज किए होंगे तो आपसे हम वो वीडियो शेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि एक वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड कैट में क्या डिफरेंस है। हमारा सिर्फ आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हमारे पास कौन कौन सी जो कैट्स आती हैं उनके लिए वैक्सीन कौन सी अवेलेबल है, आपको कौन सी करवानी चाहिए। दो तरह की वैक्सीन होती है, एक जिसके अंदर खाली रेबीज की डोज है, रेबीज का है, और दूसरा जो कैट्स की अपनी जो वैक्सीन है, नो डाउट रेबीज भी उसके लिए इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते। मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है, अफोर्डेबल वाले और नॉन अफोर्डेबल दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि बजाय इसके कि आप कल को बार बार आके दो दो तीन तीन हजार की ड्रिपिंग करवाते हो, एक दफा जो है कैट के लिए उसको प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफा उसको डोज लगवाएं जो उसके लिए अपनी जो डोज बनती है। उसके अंदर उसकी मैं कंपोजिशन आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन बनी हुई है, कैसी वायरस, हर्पीज वायरस, पैन लिकोपीनिया वायरस एंड रेबीज। एक कंप्लीट डोज बनाई जाती है जिसके अंदर ये चारों बैक्टीरिया जो चारों जो बीमारियां हैं उसके अगेंस्ट। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस पर लाजमी अमल करें, ये आपके हक में हम बना रहे हैं, आपके हक में आपको गाइड किया जा रहा है, अदरवाइज और कोई हमारा मकसद नहीं है इसमें। प्लीज इस पर अमल करें और अपने जितने भी कैट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए एफिलिएटेड वेटरनरी डॉक्टर उनसे कंसल्ट करें ताकि आपको कुछ फायदा भी हो कल को। बहुत शुक्रिया आपका।